योगी आदित्यनाथ सीएम पद की शपथ लेते हुए और उनके मंत्री भी शपथ लेते हुए। गाजी न्यूज चैनल, सबसे पहले देश और समाज की खबरें। माननीय श्री आदित्यनाथ योगी जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्य रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को सबके सिवाय, जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा प्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। अब कोई जरूरत नहीं। माननीय राज्यपाल महोदया ने माननीय मुख्यमंत्री जी की मंत्रणा से निम्नलिखित महानुभावों को उत्तर प्रदेश का उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। श्री केशव प्रसाद मौर्य, श्री ब्रजेश पाठक। माननीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं केशव प्रसाद मौर्य ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं केशव प्रसाद मौर्य ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय, जबकि ऐसे उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।
माननीय श्री ब्रजेश पाठक जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं ब्रजेश पाठक ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतरकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं ब्रजेश पाठक ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तबके सिवाय, जबकि ऐसे उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय राज्यपाल महोदया ने माननीय मुख्यमंत्री जी की मंत्रणा से निम्नलिखित महानुभावों को उत्तर प्रदेश का मंत्री नियुक्त किया है। श्री सुरेश कुमार खन्ना, श्री सूर्य प्रताप शाही, श्री स्वतंत्र देव सिंह, श्रीमती बेबी रानी मौर्य, श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी, श्री जयवीर सिंह, श्री धर्मपाल सिंह, श्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी, श्री भूपेंद्र सिंह चौधरी, श्री अनिल राजभर, श्री जितिन प्रसाद, श्री राकेश सचान, श्री अरविंद कुमार शर्मा, श्री योगेंद्र उपाध्याय, श्री आशीष पटेल और श्री संजय निषाद। माननीय श्री सुरेश कुमार खन्ना जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं सुरेश कुमार खन्ना ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सुरेश कुमार खन्ना ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वाह। आपको हमारी न्यूज़ कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप गासी न्यूज़ चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिएगा और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचे। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा।